India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट से जुड़ी हुई तमाम खबरें। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंडअप। दिल्ली में पानी की किल्लत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरकार को अहम निर्देश दिया। कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को 7 जून से हर दिन 137 क्यूसेक अतिरिक्त जल छोड़ने का आदेश दिया है। कोर्ट ने हरियाणा से कहा कि वो अपने क्षेत्र में पड़ने वाली नहर के जरिए पानी के दिल्ली तक पहुंचने में सहयोग करे। अदालत ने साथ ही कहा कि दिल्ली सरकार को पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। सोमवार 10 जून 2024 तक सभी पक्ष मामले में हुई प्रगति की जानकारी दें। मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हरियाणा सरकार ने आपत्ति जताई कि उसके पास यह जानने का तरीका नहीं है कि हिमाचल से हथिनी कुंड कितना पानी पहुंचा। हथिनी कुंड बैराज से होते हुए दिल्ली के वजीराबाद बैराज तक पानी पहुंचना है। कोर्ट ने इसके जवाब में कहा कि आदेश दिया जा चुका है कि अब सोमवार को आपको बताना है कि मामले में क्या हुआ। पेश है सुनवाई पर ये रिपोर्ट। दिल्ली के निवासियों को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि वो दिल्ली के निवासियों के समक्ष आ रहे जल संकट को हल करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिल्ली के लिए छोड़े जाने वाले अधिशेष जल के निर्बाध प्रवाह को सुगम बनाए। न्यायमूर्ति पीके मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार को कोई आपत्ति नहीं है और वो उसके पास उपलब्ध अतिरिक्त जल छोड़ने को तैयार है। न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश को 7 जून को अतिरिक्त जल छोड़ने का निर्देश दिया, साथ ही उसे हरियाणा को पहले इसकी जानकारी देनी होगी। न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार को ऊपरी धारा से 137 क्यूसेक पानी स्थानांतरित करने का निर्देश दिया, जिससे पानी हरियाणा में हथनी कुंड बैराज तक पहुंच सके, जिससे हरियाणा दिल्ली में वजीराबाद बैराज के माध्यम से दिल्ली को पानी स्थानांतरित करने में सुविधा प्रदान करेगा। दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने सुझाव दिया कि ब्यास नदी का पानी हरियाणा की नहरों के माध्यम से दिल्ली भेजा जा सकता है। हालांकि हरियाणा के वकील ने इस तरह के प्रस्ताव का विरोध करते हुए इसे अव्यवहारिक बताया है। दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे एडवोकेट शादान फरासत ने भी हिमाचल से दिल्ली को छोड़े जाने वाले पानी को न जाने देने के हरियाणा के रवैये को अवरोधकारी बताया। अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के बारे में न्यायालय के प्रश्न के उत्तर में हरियाणा के वकील ने तर्क दिया कि दिल्ली को कितना पानी छोड़ा जाए ये निर्धारित करने के लिए अधिशेष पानी को मापने और उसमें अंतर करने का कोई तरीका नहीं है। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि पानी पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 जून की तारीख तय की। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें उसने जल संकट से निपटने के लिए राष्ट्रीय राजधानी को हिमाचल प्रदेश की ओर से उपलब्ध कराया जाने वाला अतिरिक्त पानी छोड़े जाने का हरियाणा को निर्देश देने का अनुरोध किया है। दिल्ली सरकार खुद माननीय न्यायालय में गई थी और आज माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली सरकार को हरियाणा नहीं हिमाचल प्रदेश अतिरिक्त पानी देगा। तो हम जिस बात को पहले दिन से कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मंत्री मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा, वो स्पष्ट हो गया कि हिमाचल ने अतिरिक्त पानी देना है। हरियाणा अपना पानी पूरा दे रहा था और जो डर्टी पॉलिटिक्स आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के साथ पानी को लेकर खेल रही थी, उसका आज पर्दाफाश हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ ना जी, वो एक प्लांट की बात करें, अगर आप बाकी बैराज भी देखेंगे जहाँ वर्षों से गाद जमी हुई है, अगर थमे रहते वो गाद साफ हो जाती, वाटर का स्टोरेज अच्छा हो जाता, तो दिल्ली का भूजल स्तर बढ़ता और दिल्ली को पानी बेहतर मिलता। ये
आम आदमी पार्टी की सरकार की विफलता है, भ्रष्टाचार है, जिस कारण दिल्ली वालों को ये दिन भुगतना पड़ रहा है। याचिका में संकट ग्रस्त राष्ट्रीय राजधानी को तत्काल पानी छोड़ने के लिए हरियाणा राज्य को निर्देश देने की मांग की गई। इसमें कहा गया कि उत्तर भारत में भीषण गर्मी की स्थिति के कारण राजधानी पानी की भारी कमी का सामना कर रही है। याचिका में आरोप लगाया गया कि दिल्ली सरकार ने हरियाणा राज्य से पानी छोड़ने का अनुरोध किया, लेकिन हरियाणा ने अभी तक इसे स्वीकार नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और उधर आंध्र प्रदेश में मतदान केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को नष्ट करने के आरोपों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मचेला विधायक पिनेली रामकृष्ण रेड्डी को संबंधित मतगणना केंद्र या उसके आसपास के क्षेत्र में जब मतगणना होगी तब को प्रवेश करने से रोक दिया। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस संदीप मेहता की अवकाश पीठ TDP पोलिंग एजेंट नंबूरी शेषगिरी राव द्वारा रेड्डी के खिलाफ दायर दो याचिकाओं पर विचार कर रही थी, जिनमें आरोप लगाया गया कि रेड्डी और उनके सहयोगियों ने मचेला में मतदान केंद्र में प्रवेश किया और EVM को नष्ट कर दिया। याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ साथ यह आशंका भी व्यक्त की कि मतदान के दिन हुई कथित घटना मतगणना के दिन दोहराई जा सकती है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने न्यायालय का ध्यान कुछ तस्वीरों की ओर आकर्षित किया जो चुनाव आयोग के वेब टेलीकास्ट से प्राप्त की गई बताई गई। उन्होंने न्यायालय के अवलोकन के लिए वीडियो भी प्रस्तुत किया और तर्क दिया। दूसरी ओर रेड्डी के लिए सीनियर वकील सिंह ने अदालत में पेश किए गए वीडियो पर संदेह जताते हुए कहा कि यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वीडियो में कौन है। हालांकि पीठ ने उन्हें वह डिवाइस दी जिस पर वीडियो बनाया गया और कहा कि उसमें तस्वीरें भी हैं। जस्टिस कुमार ने कहा कि वीडियो सोशल मीडिया पर भी घूम रहा है। हालांकि सिंह ने कहा कि वीडियो को चुनाव आयोग ने प्रसारित नहीं किया और तस्वीरें आधिकारिक तस्वीरें नहीं हैं। इसके जवाब में जस्टिस कुमार ने कहा, हम एक पल के लिए मान लेंगे और इन तस्वीरों को भी अनदेखा कर देंगे। यह तथ्य है कि शिकायतकर्ता का कहना है कि 8 लोगों के बूथ के अंदर घुसने के बाद EVM और VVPAT दोनों को निकाल लिया गया और नष्ट कर दिया गया। पक्षकारों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने सिंह के वचन को रिकॉर्ड पर लिया और रेड्डी को मतगणना के दिन माचेला निर्वाचन क्षेत्र के मतगणना केंद्र में प्रवेश करने से रोक दिया। न्यायालय ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि वह रेड्डी को अंतरिम संरक्षण देने के अपने पहले के आदेश से प्रभावित हुए बिना उसके समक्ष लंबित याचिका का निपटारा करें। उधर नीट परीक्षा के पेपर लीक होने की खबरों के बीच उम्मीदवारों के एक समूह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर नए सिरे से नीट UG 2024 एग्जाम कराने की मांग की। परीक्षा को 5 मई को आयोजित किया गया। याचिका में आरोप लगाया गया कि 5 मई को आयोजित नीट UG परीक्षा में कदाचार हुआ और याचिकाकर्ताओं के संज्ञान में प्रश्न पत्र लीक होने के विभिन्न मामले सामने आए। शिवांगी मिश्रा और अन्य द्वारा दायर याचिका में NTA को पक्षकार बनाया गया है और पेपर लीक की परीक्षा की सुचिता का मुद्दा उठाते हुए नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 5 मई को आयोजित नीट UG परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी क्योंकि पेपर लीक के कई मामले याचिकाकर्ताओं के संज्ञान में आए थे। वकील उषा नंदिनी बी के जरिए 1 जून को दायर की गई याचिका इस सप्ताह अवकाशकालीन पीठ के समक्ष सूचीबद्ध की जा सकती है। कथित पेपर लीक संविधान के तहत आर्टिकल 14 या समानता का अधिकार का उल्लंघन था क्योंकि इससे कुछ अभ्यर्थियों को अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में अनुचित लाभ मिला जिन्होंने निष्पक्ष तरीके से परीक्षा देने का विकल्प चुना था। नीट UG परीक्षा देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में MBBS, BDS और आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित की जाती है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह 3 आरोपियों को बरी कर दिया।
जिन्हें 1980 में हुई एक हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की खंडपीठ का मानना था कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ संदेह से परे मामला साबित करने में असमर्थ था, इसलिए इसने मुजफ्फरनगर ट्रायल कोर्ट के 1982 के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट ने कहा कि जब भी कोर्ट के मन में संदेह पैदा होता है तो उस संदेह का लाभ आरोपी के पक्ष में जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा, हमारा मानना है कि जब अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित नहीं कर पाया तो अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराना असुरक्षित प्रस्ताव होगा। हमारा मानना है कि जब पूरे साक्ष्य पर विचार करने के बाद कोर्ट के मन में संदेह पैदा हो गया है तो अपील को स्वीकार किया जाना चाहिए और अपीलकर्ताओं को बरी किया जाना चाहिए। मामला 8 जनवरी 1980 का है, जब मुजफ्फरनगर पुलिस स्टेशन में अजय कुमार के संबंध में एक व्यक्ति की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की गई थी। प्रारंभिक जांच के दौरान यह पता चला कि कुमार 6 जनवरी 1980 से घर नहीं लौटा था, जब वो अपने दोस्त राजेश कुमार से मिलने गया था। एफआईआर में ये भी कहा गया था कि राजेश कुमार भी नहीं मिल पाया। बाद में गुमशुदगी की रिपोर्ट को भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के तहत अपहरण के मामले में बदल दिया गया। राजेश को गिरफ्तार कर लिया गया और वो पुलिस को अजय कुमार के शव तक ले गया। कुमार की लाश एक अन्य आरोपी ओमबीर, जो राजेश का दोस्त था, को किराए पर दिए गए कमरे से बरामद की गई। मृतक की गर्दन पर प्लास्टिक की एक पर्ची भी मिली और मृतक के मुंह में एक कपड़े का टुकड़ा भी मिला था। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत हत्या और सबूतों को नष्ट करने, गायब करने के आरोप भी जोड़े गए। जून 1982 को ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इससे व्यथित होकर तीनों ने उच्च न्यायालय में अपनी सजा को चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने कहा कि आरोपी राजेश के बरामदगी बयान में कहीं भी ये संकेत नहीं मिला कि उसने हथियार को छिपाने में अपनी संलिप्तता के बारे में कुछ कहा। न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि हत्या का मकसद मजबूत नहीं था। इसने यह भी नोट किया कि जिन गवाहों ने आरोपी को आखिरी बार देखा था उनके साक्ष्य भी विश्वसनीय नहीं थे। न्यायालय का मानना था कि अभियोजन पक्ष मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा और उसने आरोपी को बरी कर दिया। और उधर न्यायालय के वैधानिक अधिकार के दुरुपयोग के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में गर्भपात की चिकित्सीय याचिका को खारिज कर दिया। जब पीड़िता की मां ने स्वीकार किया कि उनका आरोपी रिश्तेदार पर मुकदमा चलाने का कोई इरादा नहीं है, जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की एकल पीठ ने यह भी कहा कि अभियोक्ता और उसकी याचिकाकर्ता मां की वास्तविक मंशा याचिकाकर्ता की इस स्वीकारोक्ति से स्पष्ट है कि वो मुकदमे में अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करेंगे। बाद में मां ने अपनी छोटी बेटी की ओर से एफआईआर दर्ज कराई। केस डायरी देखने के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को याचिकाकर्ता और उसके पति का हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया कि वो आरोपी के मुकदमे में अपने बयान से पलटेंगे नहीं।
कोर्ट ने कहा। हालांकि यह कोर्ट इस तथ्य से अवगत है कि गवाहों को उनके बयानों से बाध्य नहीं किया जा सकता और वो मुकदमे में जो चाहे कह सकते हैं, लेकिन उन्हें इस कोर्ट के वैध अधिकार का दुरुपयोग करके अजन्मे बच्चे को मारने की अनुमति नहीं दी जा सकती। याचिकाकर्ता द्वारा हलफनामा दाखिल करने और व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता से इस समय आरोपी के साथ संबंधों के बारे में पूछा। मां ने जवाब दिया कि वो मुकदमे में आरोपी रिश्तेदार को बचाने का हर संभव प्रयास करेंगी। एकल न्यायाधीश पीठ ने गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देते हुए इनकार करते हुए निष्कर्ष निकाला। इस न्यायालय की यह राय है कि हालांकि अवांछित बच्चे का लड़की की मानसिक स्थिति पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन अगर अभियुक्ता और उसकी मां यह दावा करके पलटी मारने जा रही हैं कि कोई अपराध नहीं किया गया है, तो यह न्यायालय पहलू को नजरअंदाज करना चाहेगा। आदेश सुनाते समय न्यायालय ने एक पिछले अवसर का भी जिक्र किया, जहां इसी तरह की स्थिति वाले याचिकाकर्ताओं ने अवांछित बच्चे से छुटकारा पाने के लिए न्यायालय के अधिकार का दुरुपयोग किया था। हालांकि बाद में वो परीक्षण के चरण में अपने बयान से पलट गए। उधर कर्नाटक हाईकोर्ट ने पत्नी द्वारा दायर याचिका स्वीकार की। याचिका में उसने अपने पति के लिए पैरोल की मांग की थी, जो आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। इस याचिका में आरोप लगाया गया कि उसे संतान प्राप्ति के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। जस्टिस एस आर कृष्ण कुमार की एकल पीठ ने महिला की याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की और दोषी को 30 दिनों की अवधि के लिए सामान्य पैरोल दी। पति को वर्ष 2016 में दर्ज अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 302, 201 के साथ धारा 34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। दोषी ने 5 साल और 1 महीने की कैद की सजा काटी। उसे इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा 15 दिनों की अवधि के लिए पैरोल दी गई, जिस पर अवधि के दौरान याचिकाकर्ता ने बंदी से विवाह किया। उसकी याचिका में यह तर्क दिया गया कि वह अकेली है और अपनी सास यानी बंदी की मां के साथ रह रही है। वो संतान के अधिकार से वंचित है। उसकी सास विभिन्न बीमारियों से पीड़ित है और वो अपने पोते पोतियों के साथ कुछ समय बिताना चाहती है। याचिका स्वीकार करते हुए अदालत ने निर्देश दिया कि दोषी को अपने पैरोल की अवधि के दौरान सप्ताह में एक बार अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी और यदि दोषी सामान्य पैरोल की अवधि समाप्त होने के बाद जेल वापस जाने से बचता है, तो उसे जेल ले जाने अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस की जिम्मेदारी होगी। जेल की मुख्य अधीक्षक सामान्यतः निर्धारित की गई शर्तों के अनुसार कठोर शर्तें निर्धारित करेंगे, जिससे बंदी की जेल में वापसी सुनिश्चित हो सके और यह सुनिश्चित हो सके कि पैरोल की अवधि के दौरान अपराधी कोई अन्य अपराध न करे। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि किसी दोषी के खिलाफ केवल विभिन्न मामलों का पंजीकरण पैरोल से इनकार करने का पर्याप्त आधार नहीं है। राहत से इनकार करने के लिए ठोस सामग्री होनी चाहिए। जस्टिस लीसा गिल और जस्टिस अमरजोत भट्टी ने कहा कि वर्तमान मामले में जिला मजिस्ट्रेट ने पैरोल खारिज की, क्योंकि सीनियर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार यदि याचिकाकर्ता को अस्थायी पैरोल पर रिहा किया जाता है तो वो मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त हो सकता है और इस दौरान फरार भी हो सकता है। न्यायालय ने कहा कि केवल गिरफ्तारी पैरोल की मांग करने वाली याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन खारिज करने का वैध आधार नहीं है। खंडपीठ ने कहा कि इस प्रश्न पर विचार करना कि क्या याचिकाकर्ता को पैरोल पर रिहा करने से राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव को खतरा हो सकता है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है।
विभिन्न मामलों के पंजीकरण के बजाय इसे इंगित करने के लिए ठोस सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। न्यायालय कुलविंदर सिंह उर्फ टैना द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट फिरोजपुर द्वारा पारित आदेश रद्द करने की मांग की गई, जो अवैध, अस्पष्ट, अनुचित और मनमाना है। साथ ही प्रतिवादियों को निर्देश जारी करने के लिए आगे की प्रार्थना की गई कि याचिकाकर्ता को 8 सप्ताह के पैरोल पर रिहा किया जाए, जिससे वो अपने परिवार के सदस्यों से मिल सके और उनकी देखभाल कर सके। दोषी ठहराया गया और 11 साल के कठोर कारावास और 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई और पीठ ने कहा कि मजिस्ट्रेट की गिरफ्तारी मात्र पैरोल से इनकार करने का वैध आधार नहीं है। न्यायालय ने आदेश रद्द कर दिया और जिला मजिस्ट्रेट फिरोजपुर को आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के 4 सप्ताह की अवधि के भीतर पैरोल की मांग करने वाले याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया। '71 के एक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में 4 दोषियों को 5,000 के जुर्माने के साथ रिहा कर दिया, क्योंकि कोर्ट को पता चला कि उन्हें एक व्यक्ति की हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302 हत्या के तहत गलत तरीके से दोषी ठहराया गया था। आइए इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि अभियुक्तों की गलत सजा और उसके बाद लंबे समय तक कारावास पर क्या अदालतें रुक करती हैं। इकतालीस साल आपको जेल में रखा गया हो, वो भी तब जहां कन्विक्शन रॉन्गफुल है, सुनकर ताजुब होता है। लेकिन इस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस को हमारे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम ने अपनी कई जजमेंट्स में रिकॉग्नाइज किया है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल की गई थी, जिसमें विक्टिम ऑफ सिस्टम यानी जिन्हें रॉन्गफुली प्रोसिक्यूट किया गया था और सालों की कैद के बाद कोर्ट ने उन्हें एक्विट कर दिया। तो ये PIL विक्टिम ऑफ सिस्टम को स्टेट द्वारा कॉम्पनसेशन दिए जाने के लिए, लॉ फॉर्मुलेट किए जाने के लिए फाइल की गई थी। 2017 में दिल्ली हाईकोर्ट ने बबलू चौहान के केस में लॉ कमीशन से लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क में रिकमेंडेशंस मांगे फॉर प्रोवाइडिंग रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन टू विक्टिम ऑफ रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन। इसी के चलते लॉ कमीशन रिपोर्ट नंबर 277 आई, जहाँ स्पेसिफिक लीगल प्रोविजन का इनैक्टमेंट रिकमेंड किया गया। मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी कॉम्पनसेशन को भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन में इंक्लूड किया जाए एज रिलीफ टू द विक्टिम्स। स्पेशल कोर्ट्स डिजिग्नेट किया जाए जहां पे क्लेम ऑफ कॉम्पनसेशन, टाइमलाइन ऑफ क्लेम, फाइनेंशियल या कोई भी और फैक्टर जो कॉम्पनसेशन डिसाइड करने के लिए ज़रूरी है उसे डिसाइड करने के लिए। पर क्या किसी की लाइफ के वो प्रोडक्टिव ईयर्स, फ्रीडम लूज करने की फीलिंग, आइडेंटिटी डैमेज हो जाना, सोसाइटी द्वारा निग्लेक्ट कर दिए जाना, वो डर, वो शर्म, क्या ये सब कॉम्पनसेशन पे करने से सही हो जाएगा? कोर्ट से जुड़ी खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंड अप।